हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो मैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ नए अपकमिंग इवेंट्स के बारे में, जो कि कुछ डिस्काउंट्स इवेंट्स होने वाले, साथ ही साथ बात करने वाले सुपर सेल इवेंट के बारे में, और उसके अंदर हम बात करने वाले M4A1 और अपनी P90 गन्स के अंदर होने वाले कुछ माइनर चेंजेस के बारे में। और इतना ही नहीं, कुछ न्यू बंडल्स आप लोगों को बताने वाला हूँ जो गेम के अंदर हमें OB25 अपडेट के बाद देखने को मिल जाएंगे। तो यार, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों को बताने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो, और उसी के साथ साथ एक बेल आइकन बन के आ रहा होगा, बेल आइकन पर क्लिक करके उसको ऑल पे सेट कर देना, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए चलते सीधे वीडियो पर। सो गाइस, सबसे पहले हम शुरू करते हैं गन्स में होने वाले कुछ चेंजेस को लेकर। तो P90 और M4A1 में OB25 अपडेट के बाद थोड़े से कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मतलब थोड़ा सा उनको इम्प्रूव करा जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं M4A1 की। तो गाइस, M4A1 का डैमेज बढ़ रहा है, रेट ऑफ फायर बढ़ रहा है, इफेक्टिव रेंज भी बढ़ रही है, मैक्सिमम रिकॉइल कम हो रहा है, और रिकॉइल वाइल मूविंग कम हो रहा है। मतलब ओवरऑल बात करूँ तो पूरी अच्छी चीज़ें हो रही है M4A1 के साथ में। अगर मैं परसेंटेज वाइज अगर आप लोगों को बताऊँ, तो जो डैमेज हो रहा है वो 28 से बढ़कर 29 हो रहा है। ये नॉर्मल डैमेज है, मतलब एवरेज डैमेज है उसका, जो विदाउट वेस्ट आई थिंक सो पड़ता है या जो भी है, मतलब आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा। रेट ऑफ फायर 5% तक बढ़ जाएगा, जो कि गाइस बहुत ज़्यादा होता है, 5% भी कम नहीं होता है। इफेक्टिव रेंज 12.5% बढ़ जाएगी, ये भी बहुत ही ऑसम बात है। उसकी रेंज जो 12.5% बढ़ रही है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैक्सिमम रिकॉल 14% तक कम हो जाएगा। मतलब यार, आप सोच सकते हो परसेंट वाइज कितना ज़्यादा परसेंट वाइज मतलब इसमें चेंजेस आ रहे हैं। और जिन जिन लोगों ने M4A1 की अभी स्कॉर्चिंग सैंड्स या फिर वो अर्थ वाली स्किन निकाली ना, वो लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि इस अपडेट के बाद में फिर वो स्किन यूज़ करोगे ना, तो बहुत ही OP रिजल्ट मिलने वाला है आप लोगों को। और बात करें P90 की, तो गाइस P90 में बढ़ रहा है हमारा डैमेज और रिकॉल उसका कम हो रहा है। इसका परसेंट वाइज मुझे कोई भी डिटेल्स नहीं पता है, तो फिर भी अगर बात करें डैमेज की, तो P90 में हाँ डैमेज बहुत ही कम था और रिकॉइल बहुत ही ज़्यादा था। तो दोनों चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं, तो P90 भी एक अच्छी गन हो जाएगी। सो गाइस, अब कुछ इवेंट्स की बात करते हैं। तो कल मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि हमें M1897 फेडेड व्हील इवेंट में देखने को मिल सकती है, या फिर हमें वापस से रोल द डाइस इवेंट में देखने को मिल सकती है। तो गाइस, कुछ सर्वर्स में आज के दिन M1897 अवेलेबल हो गई है, और वो आई है उनके फेडेड व्हील इवेंट के अंदर। तो गाइस देख सकते हो, M1897 तो है ही है, साथ ही में ऑग की स्किन भी इसी के अंदर दे दी गई है उन लोगों को। हमें बहुत कम चांसेस है कि दोनों स्किन एक ही इवेंट के अंदर देखने को मिले इंडियन सर्वर में, बट देख सकते हो फेडेड व्हील इवेंट में आ चुकी है। और ओवरऑल बात करी जाए तो यार, फेडेड व्हील इवेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है अकॉर्डिंग टू मी। रोल द डाइस इवेंट में ज़रूरत से ज़्यादा डायमंड हमेशा खर्च होते हैं, मतलब उसमें 100, 500, 200, 1000 डायमंड में कभी कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको स्किन चाहिए तो रोल द डाइस इवेंट में हमेशा 1000 से ऊपर ही जाना पड़ेगा, और 1000 का बोल रहा हूँ मैं, तो बोल रहा हूँ 2000 से ऊपर जाना पड़ेगा। बट फेडेड व्हील जैसे इवेंट में ये कभी फ्री स्किन में मिल जाएगी, कभी नो डायमंड में मिल जाएगी, और अगर मैक्सिमम भी खर्च होता है तो 1000 डायमंड से ऊपर इसमें कभी भी खर्च नहीं होते हैं। तो फेडेड व्हील इवेंट में आनी चाहिए यार इंडियन सर्वर में भी, मैं भी यही चाहता हूँ। बट लेट्स सी गरीना के प्लान्स क्या है इंडियन सर्वर को लेकर। सो गाइस, कुछ डिस्काउंट इवेंट के बारे में बात करते हैं। एक न्यू इवेंट सामने आ रहा है जिसमें हमें देखने को मिल रहा है, मतलब एकदम बहुत ही न्यू इवेंट है एक तरीके से बात करूँ तो। तो गाइस, इस इवेंट में मतलब ऐसा है कि आपको डायमंड तो स्पेंड करने पड़ेंगे, आपको जो आइटम्स है उस पर भी कुछ डिस्काउंट देखने को मिलेगा, बट जैसे आप कुछ आइटम परचेस करते हैं तो उसके साथ आपको कुछ कॉइन्स मिलेंगे, और वो कॉइन्स क्या काम आएंगे, वो कॉइन्स काम आएंगे साइड रिवॉर्ड एक्सचेंज करने में। मतलब इस तरफ जो आपको रिवॉर्ड दिख रहा है ना, ये रिवॉर्ड आप उन कॉइन्स से एक्सचेंज कर पाओगे, मतलब वो होंगे एब्सोल्युटली फ्री। बस आपको वो आइटम्स खरीदने हैं इस साइड से जो आपको पसंद हो, और ऊपर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स पता चल रहे होंगे कि कितने कॉइन्स आपको मिलेंगे वो आइटम परचेस करने के बाद। तो जब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे, तो आप यहाँ से कोई भी आइटम परचेस कर पाओगे, मतलब कॉइन्स के बदले एक्सचेंज कर पाओगे। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये इवेंट। नॉर्मली डिस्काउंट इवेंट में हम आइटम्स खरीदते ही हैं, बट यहाँ पर आइटम्स खरीदने के बाद भी हमें कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, कि हम जो कॉइन्स मिल रहे हैं वो आइटम परचेस करने के बाद उससे हम कुछ और एक्सचेंज भी कर पाएंगे। सो गाइस, दिसंबर की स्टार्टिंग हो चुकी है, OB25 अपडेट हमें जल्दी देखने को मिलने वाला है, साथ ही साथ हमें देखने को मिल रहा है एक ब्रांड न्यू डिस्काउंट इवेंट। वैसे ब्रांड न्यू नहीं, अलग मतलब पुराना इवेंट भी वापस से देखने को मिल सकता है। तो एक डिस्काउंट इवेंट जो सामने आ रहा है वो है चेंज योर फेट। चेंज योर फेट ही नाम है ना इसका, यार मैं नाम भूल चुका हूँ, कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ वैसे एग्जैक्टली बोलूँ तो। तो ये इवेंट हमें वापस से गेम के अंदर देखने को मिल सकता है, ऑब्वियसली अगर मिड मंथ में आएगा,
तो एलाइट पास तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, और अब तो बाद वाले इवेंट में भी हम एलाइट पास बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। गरीना बहुत ज़्यादा काट रहा है इंडिया वालों का। बट खैर, अभी करंट इवेंट की बात करें तो गाइस 10 तारीख के बाद हमें कोई न्यू डिस्काउंट इवेंट गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। चेंज और फेड उनमें से एक हो सकता है, क्योंकि कुछ सर्वर्स में इसका कंफर्म लीक आ चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि शायद इंडियन सर्वर में भी हमें देखने को मिल जाए। इतना तो कंफर्म है कि कोई ना कोई डिस्काउंट इवेंट जरूर आएगा इंडियन सर्वर में 10 तारीख के बाद में, बट कौन सा है वो एग्जैक्टली कंफर्म नहीं हुआ है। तो एक और डिस्काउंट इवेंट का लीक आ रहा है, वो है हमारा सुपर मार्केट। अभी कौन सा है, 10.0, 11.0, 12.0, आई रियली डोंट नो। जोन सा भी वर्जन हो इस मंथ, उसके भी आने के चांसेस बताए जा रहे हैं, जो कि विंटरलैंड थीम पे होगा। और हो सकता है 1% चांस है, सिर्फ 1% चांस है, ठीक है ना, कि उसमें एलाइट पास देखने को मिल जाए। अब मैं चांसेस वाइज तो ज़्यादा बात कर नहीं सकता, क्योंकि फ्री फायर ना दुश्मनी निकाल रहा है, मुझे लग रहा है, अपने इंडियन सर्वर वालों से। खैर, पर डिस्काउंट इवेंट की बात है, हमें डिस्काउंट से बात है, अच्छे आइटम्स मिलने चाहिए, डिस्काउंट में मिलने चाहिए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस, यही कुछ अपडेट्स थे जो गेम के अंदर हमें जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यार, वीडियो को ही रैप अप करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, एंड कमेंट करके जरूर बताने कि आपको सबसे अच्छा अपडेट कौन सा लगा। सो गाइस, बाय बाय।